सच्ची तारीख का बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। हम कहना चाहेंगे ये एजेंडे जो निजीकरण के एजेंडे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, सेंट्रल में थे, लेकिन आज वो एजेंडे भी और जो डिटर्जेंट भी वो दिल्ली से हिमाचल में पहुंच गया। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा दिल्ली में था जिसको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश सरकार भी बिजली बोर्ड को तोड़ने की साजिश कर रही है। वहीं राम सुहाग सिंह जी जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनके उनके लिए भी वो डिटर्जेंट दिल्ली से आ गया, आज वो डिटर्जेंट से सारा साफ हो गया। पर लेकिन हमारा यूनियन का स्टैंड बड़ा क्लियर है, आज जो ऊर्जा क्षेत्र का उनको सलाहकार लगाया है, उनको ऊर्जा क्षेत्र के सलाहकार से हटाया जाए। और कानून का इतिहास दोहरा दिया जाएगा शांता कुमार का, जैसे शांता कुमार निकला ना यहाँ से, वो इतिहास दोबारा दोहरा दिया जाएगा। गलतफहमी में ना रहे चीफ मिनिस्टर जी, ये जो कोकस खड़ा किया हुआ है ना, इसको ट्राई फर्केशन करने का कि हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम रिटायर ही है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। हम कहना चाहेंगे ये एजेंडे जो निजीकरण के एजेंडे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, सेंट्रल में थे, लेकिन आज वो एजेंडे भी और जो डिटर्जेंट भी वो दिल्ली से हिमाचल में पहुंच गया। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा दिल्ली में था जिसको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश सरकार भी बिजली बोर्ड को तोड़ने की साजिश कर रही है। वहीं राम सुहाग सिंह जी जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनके उनके लिए भी वो डिटर्जेंट दिल्ली से आ गया, आज वो डिटर्जेंट से सारा साफ हो गया। पर लेकिन हमारा यूनियन का स्टैंड बड़ा क्लियर है, आज जो ऊर्जा क्षेत्र का उनको सलाहकार लगाया है, उनको ऊर्जा क्षेत्र के सलाहकार से हटाया जाए। और कानून का इतिहास दोहरा दिया जाएगा शांता कुमार का, जैसा शांता कुमार निकला ना यहाँ से, वो इतिहास दोबारा दोहरा दिया जाएगा। गलतफहमी में ना रहे चीफ मिनिस्टर जी, ये जो कोकस खड़ा किया हुआ है ना, इसको ट्राई फर्केशन करने का कि हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम रिटायर ही है। हम जब निकलेंगे तो हम सीधा चौड़ा करके निकलेंगे, पहले तो इसको हटाओ, इसको सुभाष सिंह को, और इसकी स्ट्रीमलाइनिंग करो, इसकी ट्राइफर्केशन हम बिल्कुल नहीं मानेंगे।